तीर्थंकर भगवान अरनाथ। धन्य है मुनिराज का जीवन जो क्षुधा तृषा आदि 22 परिषहों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वेतरागी मुनि आचार्य स्वरूप गुप्त के मुखमंडल पर आज अद्भुत तेज था। मुनिराज तीर्थंकर भगवान अरनाथ का जीवन वृतांत बताते हुए कहते हैं कि तीर्थंकर अरनाथ पूर्वभव में जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में क्षेमपुरी नगरी के धनपति नामक राजा थे। वह मात्र राजलक्ष्मी के ही राजा नहीं थे अपितु आत्मलक्ष्मी के भी स्वामी थे। मोक्ष के साधक को मोक्ष साधना के अनुकूल संयोग मिलते ही रहते हैं। तदनुसार मोक्षार्थी महाराजा धनपति को भी एक उत्तम संयोग प्राप्त हुआ। उनकी नगरी में अरिहत नंदन तीर्थंकर का पदार्पण हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण करके राजा धनपति को रत्नत्रय की भावना जाग उठी। उनका चित्त संसार से विरक्त हो गया, अतः उन्होंने राज्य छोड़कर प्रभु के चरणों में जिन दीक्षा धारण कर ली। जैन दीक्षा धारण करने के पश्चात आत्म साधना पूर्वक 12 अंगों का ज्ञान प्रकट हुआ तथा दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं द्वारा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। उत्तम आत्म आराधना सहित समाधि मरण पूर्वक जयंत विमान में अहमिंद्र देव हुए। वहां उनकी आयु 33 सागर थी। बाह्य विषयों का संयोग न होने पर भी महान सुख का भोग वे निरंतर कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ के वंशज कुरुवंशी राजा सुदर्शन राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम था मित्रसेना। जब स्वर्ग में उन अहमिंद्र की आयु के मात्र 6 मास शेष रहे, तब उनके आगमन की पूर्व सूचना रूप में यहां हस्तिनापुर के राजभवन में प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा के साथ साथ सारी नगरी में पुण्य वृद्धि होने लगी। फाल्गुन कृष्ण तृतीया के दिन महारानी मित्रसेना ने उत्तम गज आदि 16 मंगल स्वप्नों को देखा और उन स्वप्नों का फल तीर्थंकर का गर्भ में आगमन जानकर अति आनंदित हुई। उसी समय देवों ने आकर तीर्थंकर के माता पिता का सम्मान किया और दिव्य वस्त्राभूषण भेंट किए। क्या तीर्थंकर की माता को भी अन्य स्त्रियों के जैसे गर्भ दुख का वेदन होता है? नहीं, अहो, तीर्थंकर के पुण्य के कारण माता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न था। स्वर्ग लोक की देवियां माता और पुत्र की सेवा कर रही थीं। प्रतिदिन रत्न वृष्टि होती थी। इस प्रकार 9 माह बीतने पर मगसर शुक्ल चतुर्दशी के दिन माता मित्रसेना ने दिव्य उत्तम पुत्र को जन्म दिया। 7वें चक्रवर्ती और 18वें तीर्थंकर का एक साथ अवतार हुआ। कुंथुनाथ तीर्थंकर के मोक्ष गमन के पश्चात पाव पल्ल बीतने पर अरनाथ तीर्थंकर हुए। उनके शरीर की ऊंचाई 30 धनुष थी। उनका चिन्ह मछली था तथा आयु 84,000 वर्ष थी। वर्ण स्वर्ण था। उनका शरीर अद्भुत सौंदर्य से युक्त था। वे तीर्थंकर और चक्रवर्ती तो थे ही, साथ में कामदेव भी थे। 21,000 वर्ष की आयु में राजा सुदर्शन ने उनका राज्याभिषेक करके उन्हें मंडलेश्वर राजा बनाया। दूसरे 42,000 वर्ष तक राज करने के पश्चात उनके शस्त्र भंडार में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई और 6 खंड पर विजय प्राप्त करके वह भरत क्षेत्र के 7वें चक्रवर्ती हुए। महाराजा अरनाथ ने अगले 21,000 वर्ष तक चक्रवर्ती पद पर राज्य किया। चक्रवर्ती के इतने भोगों के बीच तो उन्हें संसार से वैराग्य हुआ ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तत्पश्चात एक बार चक्रवर्ती अरनाथ आकाश में शरद ऋतु के बादलों की सुंदर रचना देख रहे थे कि अचानक बादल बिखर गए। उन्हें देखकर महाराजा अरनाथ का चित्त व्याकुल हो उठा तथा संयोगों की क्षणभंगुरता देखकर विचार करने लगे कि यह राजवैभव, यह शरीर, यह संयोग सभी क्षणभंगुर हैं।
जीव के साथ किसी का भी सदाकाल कोई भी संबंध नहीं है। यदि कोई सदाकाल इस जीव के साथ रहता है तो वह उसका अपना ज्ञायक स्वभाव ही है। उसी समय ऐसा चिंतन करते करते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान होने पर उनका वैराग्य भाव दृढ़ हुआ। वे विचारने लगे कि जितनी संपदा मेरे पास वर्तमान में है उससे कई गुना अधिक संपदा मैं पूर्व भव में भोग चुका हूं। अतः ऐसा विचार कर वे जिन दीक्षा लेने को तत्पर हुए। उसी समय ब्रह्म स्वर्ग से देवों ने आकर उन्हें वंदन किया और उनके वैराग्य की प्रशंसा की। इंद्र भी वैजयंत नाम की दिव्य शिविका लेकर प्रभु के दीक्षा कल्याणक का मंगल महोत्सव मनाने हस्तिनापुर में आ गया। अरनाथ प्रभु के साथ 1000 राजा भी दीक्षा ग्रहण करने हेतु सहितुक वन में चले गए तथा चक्रवर्ती की हजारों रानियां भी संसार से विरक्त होकर आरिका व्रत लेने को तैयार हो गईं। माघ शुक्ल दशमी के सायंकाल चक्रवर्ती पद का समस्त वैभव त्याग कर अरनाथ हस्तिनापुर के सहितुक वन में आए। समस्त वस्त्राभूषण त्याग कर दिगंबर दशा धारण कर सिद्धों को वंदन करके अर्थात नमः सिद्धेभ्या कहकर 1000 अन्य राजाओं सहित दीक्षा ले ली। तत्पश्चात शुद्धोपयोग पूर्वक उन्होंने सप्तम गुण स्थान प्रकट किया। 2 दिन तक उपवास के पश्चात मुनिराज अरनाथ का सर्वप्रथम आहार चक्रपुर नगरी के राजा अपराजित के माध्यम से हुआ। उसी समय देवों ने भी आनंदित होकर वहां रत्नवृष्टि तथा 5 आश्चर्य प्रकट किए। 16 वर्ष तक मुनि दशा में विचरण करने के पश्चात हस्तिनापुर के दीक्षा वन में आकर आत्मध्यान में विराजमान हुए तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन शुक्ल ध्यान द्वारा क्षपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की और इस प्रकार मुनिराज अरनाथ अरिहंत अरनाथ बन गए। अरिहंत बनते ही कुबेर के द्वारा 3.5 योजन बड़े समविश्रण की रचना की गई। उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया? उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी ही प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। अभाव 4 प्रकार का होता है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्रागभाव है, अथवा कार्य होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्रागभाव है। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसाभाव है। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्याभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में परस्पर अभाव अत्यंताभाव है। इन 4 अभावों का सही स्वरूप समझकर, 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता समझकर अपनी आत्मा में लीन हो जाना ही प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है। आपकी धर्मसभा में कुंभ स्वामी आदि 30 गणधरों सहित 50,000 मुनिराज तथा 60,000 आरिकाएं, 1,00,000 धर्मात्मा श्रावक और 3,00,000 श्राविकाएं विराजते थे और मुख्य आरिका कुंथु सेना थी। सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर अरनाथ ने 21,000 वर्ष तक भरत क्षेत्र के अनेक देशों में विहार करके धर्मोपदेश देकर वीतरागी धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। जब आयु कर्म 1 माह मात्र शेष रहा तब भगवान सम्मेदाचल के शिखर पर स्थित हुए। चैत्र कृष्ण अमावस्या को संपूर्ण योग निरोध पूर्वक शेष अघाती कर्मों का नाश करके 1000 अन्य जीवों सहित सम्मेद शिखर के नाटक कूट से संसार से मुक्त होकर मोक्षपुरी सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। इस प्रकार
अरनाथ तीर्थंकर का परिचय पूर्ण हुआ। बोलो तीर्थंकर भगवान अरनाथ की जय हो। हे चक्रधर जग जीत कर शटखंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया।